ओम शांति मीठे बच्चे, आज की मुरली 5 से 6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें 100% सर्वगुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं? उत्तर, तुम दैवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। वे मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते और नाम देते हैं वनोत्सव। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। ओम शांति, यह किसने कहा? यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। पतितों को पावन बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। यह श्रीमत देने वाला कौन है, उनको भी समझना चाहिए। वही बोलते हैं, आत्माओं को आत्मा जानती है। मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं? बाबा, तुम बच्चों को समझ देते हैं, यह तो जरूर है। सब पतित थे, अभी तुम देखो हम कहाँ तक पावन बने हैं और दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण कराने वाला है सर्वगुणों का सागर बाप। वह बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही, खुद कहते हैं हमारे में गुण नहीं है। अब तुम बच्चों को फिर 100% सर्वगुण संपन्न बनना है, कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखो। जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तब ही तुम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को वर सकेंगे। पहले फिले तो बाप का परिचय देना चाहिए, ऐसा जो बेहद का बाप है, जिसके लिए गाते हैं तुम मात पिता। उस परमपिता की बड़ी महिमा है, कहते हैं शिवाय नम। अब वह तो स्वर्ग का रचयिता है, जरूर हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है जो हमको देते हैं। भारत को स्वर्ग की बादशाही थी, अभी नहीं है, जरूर बाप से ही मिली थी। भारत ही सचखंड बनता है, सच शिव बाबा का यह जन्म स्थान है, यह कोई नहीं जानते। शिवरात्रि गाई जाती है, वह कौन सी? श्री कृष्ण की भी रात्रि, शिव की भी रात्रि दिखाते हैं। श्री कृष्ण का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ है। शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे, शिव बाबा आते ही तब हैं जब ब्रह्मा की रात होती है। रात के बाद दिन अर्थात कलयुग का अंत और सत्युग की आदि होती है, इसको कहा जाता है घोर अंधियारी रात। यह बेहद की बात हो गई, हद की रात तो होती ही है, परंतु कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, सतगुरु ज्ञान सूर्य बाप को कहा जाता है। पहले फिले तो बाप और वर्षे का परिचय देना है। समझो कोई बादशाह को बच्चा नहीं है, किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता है तो बच्चा दिल में जानता है ना कि मैं गरीब था, अब मैं बादशाह का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो हम रावण का बनने से बहुत गरीब कंगाल बन गए थे, अभी हम बेहद के बाप के बने हैं, उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह अच्छी तरह परिचय देना है और फिर लिखा कर लेना है, हमको बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, यह ज्ञान और कोई दे नहीं सकता। सन यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, वह फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए। क्लास यहाँ तो गृहस्थ धर्म की बात है, वह गृहस्थ धर्म का त्याग करते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम सो देवी देवता गृहस्थ धर्म में थे, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे और तुम स्वर्ग के मालिक भी थे। फिर पूज्य से तुम पुजारी बन अपनी पूजा भी करते हो। जब तुम पूज्य सो देवी देवता हो तो तुमको वहाँ पूजा करने की दरकार नहीं है। वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल था, अभी पूज्य से पुजारी बने हो। फिर तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है, इसलिए ही गाया जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप पूज्य और पुजारी नहीं बनते, बाप तो सदा पूज्य है ही। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाप की बैठ पूजा करते हैं, हम उनके बच्चे हैं। हे परमपिता परमात्मा, ऐसे कहेंगे ना, वह तो है निराकार
आत्मा भी है निराकार शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं परमपिता परमात्मा निराकार शिव। यह आत्मा ने कहा इन आर्गन्स द्वारा अभी तुम बच्चे यह भी जान गए हो कि जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है। अभी तुम मात पिता उस निराकार को ही कहते हो। तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख घनेरे पाएंगे, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कितनी सहज बात है, तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बी के प्रैक्टिकल में हो, सम्मुख बैठे हो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सम्मुख हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तुम जानते हो शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह कैसे कहेगा कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, अपने को आत्मा समझो। यह श्री कृष्ण तो कह न सके, यह तो बाप ही कह सकते हैं। तो यह बड़ी भूल हुई है ना, लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा उन सबको तो सुख मिला हुआ था। वही सब 84 जन्म ले तमोप्रधान बने हैं, मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी फिर तुम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, यह तुम्हारा लीप जन्म है। लीप कहा जाता है धर्माओं को, तुम जानते हो हमारा यह ईश्वरीय जन्म है। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं, जहाँ तक जीना है अंत तक तुमको पढ़ना है। पॉइंट्स निकलती रहेंगी, एड होती जाएंगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी के सालिग्राम बनाकर उनकी बैठ पूजा करते हैं, आत्मा की पूजा होती है। तुम जीव आत्माओं ने ही भारत को सिरताज बनाया है, तो आत्माओं की पूजा करते हैं। परमपिता परमात्मा बाप के साथ तुम भी सर्विस कर रहे हो, तो शिवलिंग के साथ सालिग्राम भी बनाते हैं। तो मुख्य पहले फिले बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ने जन्म लिया परंतु माता के गर्भ से थोड़े ही जन्म लेते हैं, वह है ही निराकार। जैसे कोई शरीर छोड़ देता है फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए, तो आत्मा को खिलाते हैं ना। आत्मा ही स्वाद लेती है कड़वा मीठा, दुख सुख यह आत्मा को भासता है। आत्मा में ही संस्कार है, आत्मा को सुख व दुख तब भासता है जबकि शरीर है। बाबा ने समझाया है सजा कैसे मिलती है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते हैं, गर्भ जेल में सजा खाते हैं, त्राही त्राही करते हैं, बस मुझे बाहर निकालो। गर्भ महल का भी मिसाल दिया हुआ है, बाहर निकलने नहीं चाहते थे। यह दृष्टांत है, सत्युग में गर्भ भी महल बन जाता है, वहाँ कोई पाप होता नहीं। अभी तुम जानते हो पतित कैसे हुए हैं, नाम ही है अजामिल जैसे पतित बहुत पाप करते हैं। पावन माना निर्विकारी, मूल बात ही विकार की है, इसलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं तो उनको महात्मा कहते हैं। मनुष्य सब पतित हैं इसलिए गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे, राम परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। राजा राम नहीं, मैं तो राजा महाराजा बनता नहीं हूँ। श्री लक्ष्मी महारानी नारायण महाराजा तुम बनते हो, हम नहीं। मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूँ, शरीरधारी जो हैं वह सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तुम सो देवी देवता थे फिर शूद्र बने, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। मैं तुमको समझाता हूँ तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे। बाप कहते हैं इस प्रकार तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। कहा जाता है 21 पीढ़ी का वर्षा बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देंगे ना। लौकिक बाप से तो अल्पकाल का सुख मिलता है, अमर लोक में आदिमध्यंत सुख है, यहाँ आदिमध्यंत दुख है। तुम पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं, सत्यनारायण की कथा भी वह सुनाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है। भारतवासी सदा सुखी थे, बहुत पवित्र थे, पवित्रता हेल्थ वेल्थ थी, कभी कोई बीमार नहीं पड़ते थे। नाम ही है स्वर्ग, भारत प्राचीन स्वर्ग था और कोई धर्मखंड आदि वहाँ नहीं थे। झाड़ का थुर तो होगा ना, थुर में कौन रहते थे, बरोबर देवी देवताओं के चित्र हैं। वह था फाउंडेशन, परंतु अपने को देवी देवता धर्म वाले कहलाते नहीं। अभी उन्हों की राजधानी स्थापन हो रही है,
तुम सत्युग का राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो, आओ तो हम आपको समझाएं तुम सच सच स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हो। इस समय तो सब पतित हैं, कोई भी युक्ति से लिख सकते हो, कहते हैं सब धर्म मिलकर एक हो जाएं, परंतु यह कैसे हो सकता। एक धर्म तो सत्युग में ही था, एक मत एक भाषा थी, ताली नहीं बजती थी, विश्व के मालिक थे, और कोई धर्म नहीं था। वह कैसे बने फिर और धर्म कैसे आए, यह कोई भी बुद्धि नहीं चलाते हैं। जब बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं तब ही पतित पावन बाप आते हैं, और धर्मों की पावन आत्माएं ऊपर से आती है। पहले धर्म स्थापक खुद आते हैं, फिर अपने पिछाड़ी औरों को बुलाते हैं, आओ। उनको तो सतो रजो तमो में आना है। जो भी आते हैं सबको सतो रजो से फिर तमो बनना ही है, परंतु अभी तुम पतित से पावन बनते हो। सब बुलाते हैं, गॉड फादर आओ, आकर के हमको हेवन में ले जाओ। वह हेवन कोई मुक्ति को, कोई जीवन मुक्ति को समझते हैं। तुम समझते हो हेवन जीवन मुक्ति को कहा जाता है। तुम्हारा सैपलिंग लग रहा है, वह फिर जंगल के कांटों का सैपलिंग लगा रहे हैं। रात दिन का फिक है, उनका भी उत्सव मनाते हैं, वनोत्सव झाड़ उगाने के लिए उत्सव मनाते हैं। तुम दैवी धर्म स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हो, रोज मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हो। कांटों से फूल बनाना यह तुम्हारा रोज का उत्सव होता है, बागवान फिर जरूर इतना इनाम भी देंगे। तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को वरने लायक बने हो, कोई अवगुण तो नहीं है, भल तूफान तो खूब आएंगे, माया छोड़ती कोई को नहीं है, बड़े बड़े दीपकों को भी बुझा देती है, उल्टे सुलटे संकल्प तो खूब वार करेंगे, मजबूत रहना है, इसमें मुरझाने की बात नहीं है। बाप से योग तोड़ नहीं देना है, सबका खिवैया वह बाप है। विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी है, उसे तुम योग बल से पार करते हो। विषय सागर से पार होकर तुम क्षीर सागर में चले जाएंगे। विष्णु का राज्य क्षीर सागर में है, अर्थात घी की नदी बहती है, यहाँ तो घासलेट की रक्त की नदियाँ बहती हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं, जहाँ हम सदैव सुखी रहेंगे। तुम सदा सुखी थे, माया ने दुखी बनाया है, गृहस्थ व्यवहार को अधर्मी बना दिया है। वहाँ है गृहस्थ व्यवहार धर्मी, अभी तुमको बाप श्रेष्ठाचारी दैवी गृहस्थ धर्म वाला बना रहे हैं। पहले फले मुख्य है बाप का परिचय, तुम बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बन सकते हो। यह तो दुख धाम है, तुम स्वर्ग में जाते हो वाया मुक्ति धाम, इसलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। याद करते करते अंत मति सो गति हो जाएगी, यह याद रखो। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर हम कल आकर राज्य करेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखते रहो, कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक योग बल से विषय वैतरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है, उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। दो, पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। वरदान प्रस्टीबन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव, लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति है, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझते हैं उन्हें बोझ का अनुभव होता है, अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का। स्लोगन, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी।